हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। काफ़ी लेट उठा हूँ मैं, क्योंकि लगभग लगभग 3-4 दिन से मैं रेगुलर स्कूल जा रहा था। उससे पहले तो बोर्ड से तो लेट स्कूल जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 3-4 दिन से जो लेट स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरी नींद अच्छे से नहीं हो पा रही थी, यानी स्लीप साइकिल बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं काफ़ी देर तक सोया और बहुत बेहोश टाइप होकर सोया एकदम। तो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और जैसा कि आपने अगर कल का व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। कल के व्लॉग मैंने आपको बताया था कि आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो जो स्कूल नहीं जाने के बाद मेरे को काम करना था वो करेंगे। सबसे पहले नहाऊंगा, नहाया भी नहीं हूँ 2 दिन से। नहाना है और ट्रिमिंग करनी है और अपना सिलेबस करना है। वीडियो अपनी अपलोड हो चुकी है और ब्लॉगिंग करते रहनी है, भूलना नहीं है ब्लॉगिंग को। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे राइट साइड में मैंने थोड़ा ट्रिम कर लिया प्रॉपर, तो ये आपको काफ़ी क्लीन लग रहा होगा, लेकिन इस साइड आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको ना ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट दिस चिन पार्ट, क्योंकि क्या है ना कि ये प्रॉपरली अभी मतलब आई नहीं है, और ये ना आधी धूरी टाइप ऑफ है। आधी धूरी नहीं है, मतलब है, लेकिन कहीं पे लाइट है, कहीं पे डेंस है, तो मतलब अच्छा लगेगा नहीं। अगर मैंने इसको ज़्यादा ग्रो किया तो बहुत अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा ग्रो करता नहीं हूँ। चिन को छोड़ के अच्छे से प्रॉपर ट्रिम कर लेता हूँ। तो अब इस साइड का भी करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। धुलाई हुई है पूरी घर की, मतलब ये यहाँ पे। सो गाइस, कॉफ़ी बन गई। अब यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा स्टिर करना होगा। 1 सेकेंड, लाइट ऑन। तो यहाँ पे अगर दिखे तो नीचे शुगर है ही। मेरे को थोड़ी सी स्वीट सी पसंद है, जो कि मतलब थोड़ी शेक्स जैसी लगे, उस टाइप की ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं अभी भी कोल्ड ही पी रहा हूँ। टेम्परेचर 13-12 डिग्री 17 डिग्री ऐसा रहता है, तब भी कोल्ड ही पीता हूँ। कोल्ड का एक अलग एडिक्शन है, मतलब मज़ा आता है, तो इसको पीता हूँ और फिर पता नहीं क्या करूँगा आगे। मेरे को खुद को नहीं पता, जो सोचता हूँ वैसा नहीं होता। मेरे को गाइस फिश कितनी बड़ी भी हो गई है, मेरे हाथ से देखो, कंपेयर करो। ये देखना यहाँ पे सारी आ जाएंगी। मैं इसको ऐसे, इनको लगेगा खाना दे रहा हूँ मैं। आ जा, देखो आ रही हैं। हाँ, नहीं आ रही, जब दिखाना हो तभी नहीं होता है। लेकिन इस वाइट और ब्लैक फिश को देखो, कितने बड़े हो गए इन लोग, इतने इतने से थे, लेकिन 7-8-10 साल में हुए इतने बड़े। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं अभी नहाने लग गया तो कम से कम 1 से 1.5-2 घंटा तो जाएगा नहाने में, मतलब कपड़े पहने नहाने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बाल वाल बनाने में। तो उससे अच्छा मेरा जो काम है जो मेरे को करना है, क्योंकि आज मेरी जो क्लास है एक्स्ट्रा क्लास, तो उसका मेरे को काम करना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क उसका करना होगा। और 2 दिन से जो एक्स्ट्रा वर्क है वो मैंने किया नहीं, मतलब जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो, तो वो अगर मैं कर लूँ तो आज वाली क्लास के साथ मैं चल पाऊँगा, वरना मैं फिर पीछे हो जाऊँगा, और एक बार पीछे होगा तो फिर पीछे हो जाऊँगा। तो पहले वो कर लेंगे और फिर नहाना तो हम बाद में कर ही सकते हैं। तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर वहाँ चलते हैं, ये प्लान में मैंने अभी मतलब प्लान करा है, अब देखो क्या हो पाता है। 1 बज गया गाइस, अपने रूम में हूँ मैं, और मेरे को एक मेमोरी कार्ड ऑर्डर करना है, वो जो DSLR में लगता है वो वाला। एक्चुअली क्या है कि मैंने जब DSLR खरीदा तो उसके साथ जो इनबॉक्स, अगर आप लोगों को पता हो तो एक मेमोरी कार्ड मिलता है कैमरा, मतलब जो ब्रांड की तरफ से आता है वही इनबॉक्स, तो वो 16 GB का था। और मेरे कैमरे में मतलब एक जो बेसिक जिस हिसाब का DSLR होता है उस हिसाब का मिलता है आपको, तो मेरा एक नॉर्मल DSLR था, मतलब 200D है, तो उसके साथ मेरे को 16 GB का 48 MBPS मिला। तो मेरे को ना 16 GB अब इनफ नहीं रहता, जब मैं टेक वीडियोस बनाता तब इनफ था, लेकिन अब नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ 64 GB का मंगा लूँ, ये वाला ऑर्डर कर ले रहा हूँ। और दिखा रहा है कि ये 5 to 7 PM के बीच में ही आ जाएगा आज ही। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा होगा कोई ना, तो मैं इसको ऑर्डर करके देखता हूँ, और आज आ जाए तो और अच्छा है, तो अच्छा रहेगा। 16 GB + 64 GB तो मैं ज़्यादा ब्लॉग कर पाऊँगा, 16 GB में तो एक दिन की ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती, तो आधे दिन की भी नहीं हो पाती ज़्यादा, मतलब फुल HD होता है ना एकदम DSLR वाला टाइप, तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ऐसी कैसे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है यूट्यूब के लिए भी, तो इन्वेस्टमेंट में तो हर चीज़ में चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो उसमें आपकी स्किल्स है, पढ़ाई वगैरह सब भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो चलो ले लेते हैं इसको, ऑर्डर कर देते हैं, अगर आज ही आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ कि 1 day delivery हो जाए। तो गाइज़ अभी जस्ट मैं सो के उठाऊँ, और मैं सोचा कि चलो आज डिनर बाहर का किया जाए कुछ ऐसी, तो बस वही लेने जा रहे हैं। मिलो मिंटू भाई से, मिंटू भाई हेलो कर दो। हेलो। तो मिंटू भैया भाग गए थे वो, लेकिन वापस आ गए हैं अब, ठीक है। तो चलो मिंटू भैया चलते हैं हम, और यहाँ पे हमारे साथ जतन भी है, और हम तीनों जा रहे हैं लेने
शायद वीर जी मलाई चाप जाएंगे, मतलब जो भी मन करेगा वो लेने जा रहे हैं। थोड़ा दूर चलते हैं तो वहीं चल के मिलते हैं। हम थोड़ा दूर चले दूर से लेकर आते हैं। इतना आप क्या करो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम इतने जाते हैं कुछ खाना लेकर आते हैं। यार बस यही जानदा मोती शोशेबाजी मेरे को करी जानी नहीं जतिए। यार तो नान कर दो, बटर नान, और ये कढ़ाई पनीर कर दो एक, ये कढ़ाई पनीर फुल, और मलाई मलाई चाप, मलाई चाप दे देते हैं, मलाई चाप। गाइस कैसे इरिटेट कर देते हैं वो, तब परेशान कर दिया। अरे भाई जब जब कह, अरे भूख हमें भी लग रही है, हम लेने आए खाना यार। अरे कैसे ले लें यार, क्या मैं करूंगा क्या इसका, तू 10 रुपए दे दे मुझे। क्यों दे दूं 10 रुपए? खाना। अरे उनको बेचो, उनको उनको वहां पे जो बैठे हुए। ले लिया, ले कहां लिया, एक लिया उसको बेचो। अरे यार लेडीज वो खरीदेगी, हां वहां बेच लो, चलो। अरे जबरदस्ती थोड़ी होती है, ना ना 10 रुपए है ही नहीं मेरे पास, मैं फोन से दूंगा उसको पैसे। फोन से लेगी, लेना है फोन से, पेमेंट फोन से ले ले, ऑनलाइन तो फिर मैं फोन से, मैं उसको पैसे फोन से दूंगा। मेरे पास रोटी के पैसे नहीं होते। अरे नहीं हमें नहीं, हमें नहीं लेना, चलो जाओ, बाय बाय। गाइस अभी हम यहाँ पे आए थे, ये बीरजी मलाई चाप, इसकी मलाई चाप काफी ज्यादा सही रहती है, और ये कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर भी, तो यहीं पे जस्ट आए थे। और ये यहाँ पे जस्ट काफी, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं लेकिन ठीक ठाक दूर पड़ता है, और किलोमीटर का राउंड है। हाँ एक बिल्डिंग के जस्ट नीचे शॉप पे है यहाँ पे। दोस्तों दो ही लाइट जल रही है, भाई साहब पूरी बिल्डिंग एकदम अंधेरे में, पता नहीं हर बिल्डिंग पी एस ये इधर क्या हो सकता है, इनका एक एक रूम होगा। अरे नहीं सबने इधर पर्दा लगा रखा होगा, ये भी हो सकता है, पर्दा खुला है तो गेट भी बंद रखते हैं ना अपार्टमेंट में, इतनी हवा तो चलती है इसके यहाँ से, लाइट से। गाइस हम लोग भी कार में बैठे बैठे बोर हो गए थे तो हम लोग भी बाहर आ गए हैं थोड़ा ऐसी, लेकिन हवा बहुत ज्यादा चल रही है। और उधर पीछे जस्ट एक शूट भी हो रहा है वहाँ पे, जस्ट यहाँ पे वहाँ पे शूट भी हो रहा है, हम भी जस्ट उसको देख रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट टाइप है खाने पीने का ही, तो यहीं पे थोड़ा हम घूम रहे हैं। यहाँ पे चेयर्स भी हैं, क्या कह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। यहाँ पे जोमेटो का शूट हो रहा है, फोटोज़ क्लिक होंगी सारे फूड उनकी प्रोडक्ट्स की। इन बिल्डिंग वालों को कितना सही रहता होगा मिंटू, ऊपर से उतरो नीचे और नीचे आके खा लो। जितन बेकार में खींचे, मैंने और जतन ने लिए एक एक स्टिंग। मिंटू आपने नहीं लिया? नहीं, लेकिन ये ठंडी है थोड़ी सी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन तब भी फिर हमने ले लिया, क्या करें, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। उसे ऑर्डर करने में पता है क्या है, मैं कब प्रेफर करता हूँ, मतलब खासकर बीजी मलाई चाप, क्योंकि जोमेटो जो है एक्स्ट्रा चार्ज करता है, मतलब ऑन फूड आइटम्स ऑल्सो, और फूड मतलब ये डिलीवरी का भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है, फिर अपना वो अलग से टैक्स लगाता है, रेस्टोरेंट अपना टैक्स अलग लगाती है, जोमेटो अपना टैक्स अलग लगाता है, डिलीवरी चार्ज अलग लगाता है, ऐसे करके ना जो मेरा खाना जो 500 में आता है वो फिर 600 का हो जाता है, और 100 रुपये के तेल में तो मैं फिर इससे भी आगे जाके ले आऊँगा, 12-15 किलोमीटर दूर जाके खाना ले आऊँगा, मतलब 5-5 करके अगर देखा जाए तो आ भी जाऊँगा चला भी जाऊँगा वाली बात है, तो मैं लेने ही आ गया और फ्री भी था। देखो गाइस कितनी हवा चल रही है यहाँ पे, अगर नीचे दिखा हो तो, ये देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर क्या हो रहा है अभी, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, प्रॉब्लम्स। ये फ़ोन कैसा हैंग हो जाता है बिल्कुल, मतलब कुछ भी काम नहीं करता इसमें, MI की टिपिकल प्रॉब्लम है ये। हाँ चलो एक्चुअली अब ठीक, अरे अभी भी नहीं, अच्छा अब दिखा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बैटरी भी तो 3% है। ये लोग पहले ही जाके कार में बैठ गए, मैं पेमेंट करके आया हूँ। ये देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, बाप रे यार बड़ी ठंड लग रही है, मतलब और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब ठंड भी लग रही है, ये भी पी रहा हूँ, मतलब ठंड है, मुझे इतनी नहीं लग रही लेकिन है ठंड, गाड़ी एकदम गर्म है। ये सोच रहे होगे कि मैंने ये क्या तमाशा पाल लिया है, ये रिकॉर्डिंग नहीं, अब से मिंटू भाई ये रोज होने वाला है, ब्लॉग्स डेली आएंगे और इसमें आपको भी अपना सहयोग देना पड़ेगा। मिंटू भाई फेमस हो जाएंगे आपके साथ, सेल्फी खिंचाएंगे लोग देखेंगे। गाइस हम लोग डायरेक्ट घर ही आए हैं, क्योंकि वो अगर खाना ठंडा हो जाता ना तो फिर नान है और वो ठंडी अच्छी लगेगी नहीं, तो हम लोग फटाफट घर ही आ गए, ठंडी का समय जम भी जाता है। हाँ बटर मतलब ठंडा हो गया तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, तो फटाफट हम लोग घर पहुँच गए हैं जस्ट, और अब घर चलते हैं। गाइस एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग वॉचिंग माई ब्लॉग, तो मैं इसको खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से, बहुत ही अमीर लग रहा है, लो अच्छे से देख लो,
आपके मुंह में भी पानी आ जाना चाहिए, लेकिन मैं एडिट करूंगा तब मेरे मुंह में भी तो पानी आ जाएगा। यार मुझसे अभी खाया नहीं गया, लेकिन खाऊंगा मैं ही, तो अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, अभी रात में जगना भी आज मेरे को, तो अभी एक डेढ़ घंटे में खाऊंगा फिर से, मैं खा लेता हूँ मैं। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स मतलब अब मैं आप लोग नहीं मतलब मैंने अब डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग को भी मेरा लाइफ स्टाइल पता चल जाएगा कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो अभी मैं बस देख के मतलब मेरे को खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक मतलब बहुत देर तक बैठते मैं खाता हूँ, मतलब एक घंटा लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा लगता है, कभी जल्दी खा जाता हूँ, कभी लेट खाता हूँ। तो पार्सल भी आ गया ये जो सुबह ऑर्डर किया था, ये तो गाइस बहुत अमेजिंग हो गया यार, मतलब अमेजोन तो बहुत बढ़िया कर रहा है यार, मतलब पता नहीं मेरे शायद मेरे साथ शायद अरे यार क्या हो रहा है, मेरे साथ शायद पहली बार हुआ है कि मतलब इतनी जल्दी आ गया हूँ, मतलब वन डे हो गया एकदम बिल्कुल, बहुत मैंने किया भी कितने बजे 11-12 बजे करा ऑर्डर शायद, तो फटाफट पास ही आया हुआ क्या पता, चलो फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। है तो मेमोरी कार्ड ही पतला सा है, कागज जैसा गीला था, बैठ के ड्रॉअर भी साफ करनी पड़ेगी, देखो कैसा कचड़ हो रखा है इसमें से, मतलब सामान निकालना कितना मुश्किल बड़ा काम है। अब इसको काटूं कैसे मैं एक हाथ से, अरे यार ये कटेगा कैसे, काट के दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये कट गया एकदम बढ़िया, और इसको अब जस्ट निकालते हैं। सो ये रहा अपना कार्ड मेरे को, अरे इसके साथ बॉक्स नहीं दिया क्या, ये आ गया अपना 64 GB 48 Mbps, और एक सेकेंड ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस 48 Mbps 16 GB, ज़्यादा स्पीड का मैं लेके भी क्या करूँगा, करना मेरे को इसी कार्ड रीडर के साथ, इस लैपटॉप के साथ ही है, तो ज़्यादा स्पीड का मेरे को भी कोई वो पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट लैपटॉप में लगाओ तो ज़्यादा वो अच्छा रहता है स्पीड का। इस तरह की पैकिंग में आता है ये, इधर से थोड़ा सा सॉफ्ट है और ऊपर से ये हार्ड है, इसके अंदर ये ऐसे था, तो इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ मैं, अभी कोई है नहीं शूट करने के लिए, तो मेरे को एक हाथ से कैमरा पकड़ के मतलब फ़ोन पकड़ के शूट करना पड़ रहा है। ये देखो गाइस क्या ही यार, ये मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब वैसे तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन फिर कई बार जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते। अब देखो यार ये कह रहा है कि और मतलब मेरा जो हार्ड डिस्क है SSD जो है वो फुल हो गई है, मैं क्या करूँ यार, क्या कुछ ऐसा डाटा भी होता है जो डिलीट नहीं कर सकते, वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं बीच में, अब मैं कुछ और क्लिप्स इम्पोर्ट नहीं कर सकता मैं, फिर मतलब इतना इरिटेटिंग है यार, क्या क्या रहा आदमी, मतलब देखो अभी यार ये ब्लॉग भी एडिट करना है, और बहुत मतलब पता नहीं कैसे 2-3 दिन से ऐसी इतनी मतलब नींद आती है ना, मतलब जैसे कि समझ लो कि बेहोश कर देगी वैसी नींद आती है, मतलब समझ लो चक्कर आ जाएंगे ऐसी नींद आ रही है। और यहाँ पे यार ये खाने भी रखा है, पेट अभी भी फुल है, मतलब वैसे तो मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं कि वेस्ट होने वाला है, खा लूँगा मैं इसको, लेकिन बस ये दिक्कत वाली बात मतलब इस यहाँ इसको तो बस दिक्कत वाली बात ये है यार कि बहुत तेज़ नींद आ रही है, वीडियो पर एडिट करनी है, वीडियो एडिट करने में 1 घंटा लगने वाला है मुझे पता है, तो लगता ही यार 1-1.5 घंटा, तो इसको भी खाना है, उसके बाद जो मैंने सोचा था ना कि रात में भी थोड़ा जगूंगा वो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मेरे को सोना ही पड़ेगा, तो देखते हैं यार क्या होता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं व्लॉग को, यहीं पे एंड करते हैं, अब तो डेली व्लॉग्स हो रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, न्यू ईयर से पहले 600 करने हैं, 601 610 करने हैं, तो चलो यार नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय, और आप लोग ने आई होप इन्जॉय किया होगा व्लॉग को, तो यार नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, यानी कल मिलते हैं, बाय।